हम लोग 1 तारीख से यात्रा शुरू किया, आज 11वां दिन हम लोग। ये बोली कि नहीं चलिए जाना ही है तो अब चलते हैं, पैदले ही चलते हैं, राम मंदिर दर्शन करना है तो पैदले चलते हैं दर्शन करेंगे। लगभग यहाँ पर 300 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं और यहाँ से लगभग 300-350 के आसपास दूरी अभी तय करना। स्वागत करते हैं फिर से एक नए ब्लॉग एक नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों राम मंदिर का तमाम चर्चे हो रहे हैं, कुछ विरोध भी हो रहा है, कुछ लोग दूर दूर से पैदल यात्रा करते हुए जा रहे हैं राम मंदिर अयोध्या प्रभु श्री राम के जन्म भूमि की ओर। और ये भैया लोग ही जा रहे हैं, कटिहार से है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। अच्छा भैया, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो अभी तक आप लोग कितना दूरी तय कर चुके हैं? करीब 3.5 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। 350 किलोमीटर जी। आने में कोई तकलीफ या रास्ता में? नहीं, तकलीफ उतना नहीं होती है। अच्छा, जो यहाँ पे जो दर्शक मन जैसे पब्लिक रहते हैं उनका सपोर्ट आप लोग को मिल रहा है कि नहीं? बहुत सपोर्ट मिल रहा है, हर जगह यानी कि सहारा करते हैं। रास्ता अभी बताते हैं लेकिन हम लोकेशन ट्रेक कर लिए हैं, लोकेशन से चलते हैं। और जो भी बोलते हैं कि नाश्ता ये पानी ये कर लो वो कर लो, लेकिन हम लोग भी अपना जो है कुछ सुविधा लेके चले हैं, जो होते हैं तो अपना कर लेते हैं। अच्छा जी, जैसे कि आप कैसे सोचे कि राम मंदिर के जन्मभूमि पर हम लोग पैदल यात्रा करके जाएंगे? हमको ये लगा कि अब फिर कब उद्घाटन होंगे, कब जाएंगे, जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, लेकिन ये सब सुन करके राम मंदिर उद्घाटन हो रहा है इसलिए जो है मन में उत्साहित हो गए कि हमको राम मंदिर जाना है तो अपने आप यानी कि भगवान का होगा, इसीलिए जो है हम लोग चल पड़े। हाँ जी। और आप दोनों हस्बैंड वाइफ जी दोनों लोग साथ ही में निकल पड़े हैं? हाँ, प्रभु श्री राम के दोनों लोग दर्शन कर लेंगे। हाँ, पहले था गाड़ी से जाने का प्लान, ठीक ना, लेकिन ये बोली कि नहीं चलिए जाना ही है तो अब चलते हैं, पैदले ही चलते हैं, राम मंदिर दर्शन करना है तो पैदले चलते हैं दर्शन करेंगे। बोले बहुत परेशानी होगा, बोले कि झेल लेंगे दोनों मिलके। दोस्तों देख सकते हैं काफी मन में उत्सुक है और मन में प्रभु श्री राम के भक्ति को लेकर के ये दोनों पैदल ही यात्रा शुरू कर दिए हैं। अभी फिलहाल कटिहार से लगभग यहाँ पर 300 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं और यहाँ से लगभग 300-350 के आसपास दूरी अभी तय करना बाकी है। तो भैया ये बताइए कि जब आप लोग चलते रहते हैं तो कंटिन्यू रात के कहीं रुकने? नहीं, रात में कहीं रुक जाते हैं, जो देखते हैं अच्छा फैमिली है, कोई अच्छा परिवार में है, अगर उसको यानी कि बोलते हैं तो वो लोग अपना कर देते हैं, व्यवस्था कर देते हैं, उसी का घर में ठहर जाते हैं और ठहरने के बाद जो तक फिर सुबह 6 बजे से निकल पड़ते हैं और शाम का 6 बजे तक निकलते रहेंगे। दोस्तों देख सकते हैं काफी उमंग में है और पीछे देखिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बैनर भी लगा हुआ है प्रभु श्री राम का, देख सकते हैं प्रभु श्री राम का कटिहार बिहार अयोध्या राम मंदिर, देख सकते हैं पैदल यात्रा। इनका भैया का चैनल का नाम भी है, देख सकते हैं फोन पे नंबर भी है, स्कैनर भी लगाया हुआ है, आप यहां से आप भैया को अगर सहायता करना चाहते हैं तो पे भी कर सकते हैं। देख सकते हैं भैया का यूट्यूब चैनल है, उस पर सारे पर जाकर के फॉलो भी कर लीजिएगा। देख सकते हैं कि पैदल यात्रा हम लोग करके जाएंगे प्रभु श्री राम के दर्शन करने, बस राम जी का दर्शन करना था इसलिए पैदल यात्रा करते हैं। कुछ उम्मीद है प्रभु श्री राम से कि वहाँ जाकर के कुछ मन्नत भी मांगेंगे? नहीं, मन्नत मांगने का नहीं है, बस हमको वहाँ दर्शन करना है। दर्शन करने का इच्छा मन में जगा और इसके वजह से आप लोग पैदल यात्रा शुरू कर दिए। सोचे नहीं थे कि रास्ता में जाएंगे तो कुछ खराब लोग भी रहते हैं, कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं, उन लोगों का सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम दो लोग हैं, ऐसा मन में कुछ विचार आया थे? ऐसा तो कोई विचार नहीं आया अभी तक में, खराब लोग तो नहीं मिले लेकिन अच्छे लोग बहुत मिले। सपोर्ट करने वाले लोग जगह जगह पर मिलते रहते हैं या नहीं? जी बहुत सपोर्ट मिला है, बहुत सारे लोग भी मिले ऐसे, सपोर्ट बहुत किया हम लोग को। अच्छा आप लोग 350 किलोमीटर दूरी अभी तक तय किए हैं तो कितने दिन से आप लोग यात्रा शुरू किए? हम लोग 1 तारीख से यात्रा शुरू किया, आज 11वां दिन हम लोग। 11वां दिन है और लगभग अभी भी यहाँ से 331 किलोमीटर की दूरी है फिलहाल, तो 11 दिन टाइम लगेगा या उससे पहले आप लोग तय कर सकते हैं? अब देखिए 22 तारीख तक का तो टारगेट है हम लोग का, लेकिन कब तक पहुँचते हैं राम जी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, राम भक्त है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक ले जाएंगे।